हेयर तो फोन अन आंसर्ड क्वेश्चन हमने इसमें बेसिकली एक्सप्लोर करना होता है कि जो अनसीन चीज़ें हैं वो हमारे सामने आए तो बाज़ात बेनिफिट्स जो हैं वो भी अनसीन हो सकते हैं सो इफ अ प्रोसीजर वर ऑलरेडी नोन टू अफोर्ड बेनिफिट दे वुड बी नोन नीड टू स्टडी इट फर्दर अगर हमें सारे बेनिफिट्स पहले से ही पता हों कि एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में क्या होंगे तो शायद उस रिसर्च को करने की ज़रूरत ही ना हो तो कुछ अन नोन बेनिफिट्स जो हैं वो हमेशा हमारे लिए जो हैं वो मौजूद मुझ, होने चाहिए In social and behavioral research, benefits may often exist primarily in the eye of the researcher. For example, a researcher may study ways to enhance children assertiveness, figuring that early training will teach young people coping skills and they will serve them well. It increases independence, decreases vulnerability to manipulation, and elevates self-efficacy. Now, assertiveness is an experiment or अर्ली एज में उनको सिखाया जाए तो उसके पॉसिबल फायदे क्या हो सकते हैं अ क्रिटिक माइट आर्ग्यू दैट असर्टिव चिल्ड्रन वुड बी परसीव्ड एज एडल्ट एज ब्रेटरी एंड सेल्फिश डिमांडिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल कोई इस पर यह तनकीद तो कर सकता है कि जो असर्टिव बच्चे हैं उनको शायद बदतमीज समझा जाए उनको सोशली ऑर्कवर्ड समझा जाए या उनको डिमांडिंग और डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाए दे फॉर सम अदर मे दैट टू इनकरेज यंगस्टर्स टू बी असर्टिव गिवन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन फॉर अ प्रोप्रियट चाइल्ड वुड Actually put them at risk in their home, क्योंकि घरों में उनको assertiveness की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही लेकिन आप उन्हें अगर एक्सपेरिमेंट में दे रहे हैं तो शायद घर वाले जो हैं उनके लिए एक बहुत अजीब सा बिहेवियर होगा कि बच्चा इतना assertively बिहेव कर रहा है एंड इन traditional स्कूल systems एज वेल जहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछने की उन्हें इजाज़त नहीं होती कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें तो असर्टिवनेस जो है उसके से एक एक्सपेरिमेंट में जो बच्चों का बिहेवियर चेंज है इट कुड बी परसिव्ड इन डिफरेंट मैनर्स द बेनिफिट टेस्ट हैज़ हल्सो बीन डिबेटेड रिगार्डिंग हु और वट बेनिफिट तो ये भी इम्पॉटेंट है कि हम देखें कि उस रिसर्च के बेनिफिटीज जो हैं वो एक्चुअली कौन है उसके बेनीफिशरी आदर स्टूडेंट्स हैं उसके टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं या कोई और हैं समर्ग्यूड दुड बी अपलाइड स्ट्रिकली टू द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स दैम से एक डिबेट स्कूल ऑफ था की यह है कि बेनीफिट वो है जो सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स को हो जो उस रिसर्च का हिस्सा बने स्पेषलीफ अ सर्विस प्रोजेक्ट इज एक्सप्लेट्री एंड द पार्टिसिपेंट्स आर वनरेबल इन सम अदर वे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग खुद उस पार्टिसिपेशन का हिस्सा हैं उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं बेनिफिट भी उन्हें ही मिलना चाहिए रादर देन ये कि बेनिफिट किसी और को मिले लेकिन रिस्क जो है वो उन पार्टिसिपेंट्स को मिले सो सम ऑफ द बेनिफिट कुड फेयरली भी एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च सो वी कंक्लूडेड दैट लार्जली सोशल साइंस रिसर्च में जब हम असेसिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हम बेनिफिट उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जिसका कुछ पार्ट एटलीस्ट मिनिमम पार्ट उन पार्टिसिपेंट्स को जरूर बेनिफिट कर रहा हो जो उस रिसर्च स्टडी के लिए वॉल्टियर कर रहे हो क्योंकि अगर उसका उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो प्रॉबेबली उनके लिए सिर्फ उसमें रिस्क की असेसमेंट ज़्यादा होगी और बेनिफिट की असेसमेंट उसमें उनके लिए प्रॉबेबली कम हो जाएगी